हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे गाइस कि हम अपने फ़ोन में वन टाइम डाटा लिमिट को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो हम पहले जाएंगे पहले सेटिंग पर। तो अपनी सेटिंग में जैसे ओपन कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे ऐप्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से अपने एक ऐप को जैसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे दे रखी है सेटिंग्स, ठीक है। सब नीचे आते हैं, जैसे यहाँ लिखा सेटिंग्स, ठीक है। से ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ देख सकते हैं सेटिंग्स हैं, ये हमारी ओच के ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से अपने एक टॉपिक को जैसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे यहाँ देख सकते लिखा पर्सनल हॉटस्पॉट, ठीक है। ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ देख सकते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट है, ये हमारे ओच का ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ नीचे आएंगे, जैसे यहाँ लिखा वन टाइम डाटा लिमिट, ठीक है। से ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस इसमें जैसे वन टाइम डाटा लिमिट है, ये हमारे ओच का ओपन ऑफ, ठीक है। अब जैसे हम अपने वन टाइम डाटा लिमिट का हम ऑफ कर देते हैं, और गाइस हमारे जैसे हम वन टाइम डाटा लिमिट को हमने ऑफ कर दिया, इससे ये होगा गाइस जैसे आपका जैसे आपने अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और आपके जैसे वन टाइम डाटा लिमिट आपके ऑन नहीं है, तो आपके हिसाब से आपके आपका डाटा ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। क्योंकि अगर आप वन टाइम डाटा लिमिट को आप ऑन ऑन करके रखोगे तो इससे आपके लिए जो डब्ल्यू आपका जो यूज़ करेगा डाटा, ठीक है, तो आपका लिमिट में यूज़ करेगा और आप अपना करके भी रखोगे अपने आपके कितने आपका सामने वाला बंदा आपके डाटा चलाए, ठीक है। और हमारी वीडियो यहीं तो थी समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दिए। थैंक यू।